डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सरकार की तरफ से सामाजिक समरसता दिवस के रूप में समारोह भी मनाया गया। सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी शिरकत की। इस मौके पर वसुंधरा राजे और राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक समरसता पर सभी को जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों की एकता के पक्षधर थे। उनका कहना था कि संघर्ष करो और संगठित बनो। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सरकारी कार्यक्रम भी मनाया गया। जम्वा रामगढ़ में अम्बेडकर पीठ में सामाजिक समरसता दिवस के नाम से हुए सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही राज्यपाल कल्याण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने की नसीहत दी, तो साथ ही ये भी कहा कि सभी को मिलजुल कर सामाजिक समरसता को बढ़ाना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कहा कि कई बार कई लोग 36 कौमों को लड़ाने की साजिश करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। वसुंधरा राजे ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग कल राजस्थान में आए थे उनको प्रदेश की बड़ी चिंता हो रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज कुछ राजनेता हम लोगों के बीच में आए थे राजस्थान की, उनको अब खूब याद आ रही। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको राजस्थान की आज याद तब क्यों नहीं आई जब दलित अत्याचारों के पहले पायदान पर राजस्थान प्रदेश था पिछले 5 सालों में। सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में मंच से ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को ये भी बताया कि किस तरह से सरकार ने आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मुखियाओं को दलित समाज से नियुक्त किया है। इसके साथ ही एक दिन में दूसरी बार सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तारीफ की। झालाना स्थित अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती जहां पूरे देश में मनाई जा रही है, वहीं राजधानी जयपुर में झालाना स्थित अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी लोगों से अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तारीफ करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा को ऐसा अध्यक्ष मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 50 सालों में कांग्रेस जो नहीं कर पाई वह बीजेपी सरकार ने 2 सालों में ही कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिलाओं से आह्वान किया कि देश के निर्माण में उन्हें भी अपना योगदान देना चाहिए तथा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भीमराव अम्बेडकर के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसको लेकर पूरे देशवासियों को बधाई दी। ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच में रहे हैं, उन महापुरुष से कुछ सीख के हम अगर अपने लोगों के बीच में इस चीज को ला सकते हैं तो कैसा महान देश हमारा होगा, आपने कभी सोचा है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम के दौरान समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में ऐसे ही भविष्य अगर सामने आते रहे तो देश का उज्जवल भविष्य होगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई। बीजेपी ने भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती त्योहार की तरह मनाई। इस मौके पर बीजेपी दफ्तर में बीजेपी एससी मोर्चे की तरफ से दलित बच्चों को कॉपियां और पेंसिल भी बांटी गई, लेकिन इन कॉपियों पर बीजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होने से एक बार फिर पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने भी दूसरी पार्टियों की तरह बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को त्योहार की तरह मनाया। पुष्पांजलि भी अर्पित की गई तो दलित बच्चों को कॉपियां भी बांटी गई। बीजेपी जयपुर शहर के अध्यक्ष संजय जैन कहते हैं कि इन बच्चों को जो पढ़ाई से वंचित थे उनको आगे बढ़ने में मदद मिले इसके लिए इन्हें कॉपी और पेंसिल बांटी गई, लेकिन इन कॉपियों पर बीजेपी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। कमल के फूल के निशान वाली कॉपियां बांटने के बाद बीजेपी के शहर अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में कच्ची बस्तियों में और दलितों की बस्तियों में जाकर
वंचित तबके के बच्चों को ये कॉपियां बांटने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इन कॉपियों पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह छपा होने का सवाल जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से किया गया तो वे कहते हैं कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ये जानने में किसी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो बच्चों को इसकी जानकारी मिले तो इसमें बुरा क्या है? वंचित वर्ग के बच्चों को इससे पहले भी कॉपी किताब और स्कूल की पढ़ाई की सामग्री बांटी गई है, लेकिन उस पर विवाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं छपा था, लेकिन यहाँ कॉपियों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल का निशान छपा हुआ था। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस इससे पहले तब भी सवाल उठा चुकी है जब भामाशाह कार्ड और पोस्ट मशीन पर कमल के फूल का निशान था। देलता के मामले में गृहमंत्री ने उठाए बच्ची के चरित्र पर सवाल और साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भी कार्यप्रणाली पर गृहमंत्री ने उठाए कई सवाल। राजस्थान के चर्चित डेल्टा मेघवाल मामले को लेकर आज पूरा राजस्थान सोचने पर मजबूर हो चुका है कि आखिर सही कौन है, उस बच्ची ने खुदकुशी की या उसकी हत्या की गई। उधर इस मुद्दे के साथ पूरा राजस्थान एक और आग में झुलस गया, वो है दलित मुद्दा, और राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पूरे मुद्दे को बड़ी बहस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो दिल्ली के राजस्थान तक आ गए और जयपुर में दलित सम्मेलन में भारी तादाद में मौजूद सरकार को घेरने की कोशिश की। इस पूरे मामले की जांच को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस बीच राजस्थान के गृहमंत्री ने बड़ा ही अटपटा बयान दिया है। ये बयान उस बच्ची के चरित्र से जुड़ा है जो आज इस दुनिया में नहीं है। गृहमंत्री ने कहा है कि क्योंकि बच्ची नाबालिग थी इसलिए सवाल उठ रहे हैं, बालिग होती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि जांच में साफ है कि बच्ची अपनी स्वेच्छा से पीटीआई के कमरे में गई थी, वहां मौजूद इस बात के गवाह भी हैं। ये सही है कि अगले दिन बच्ची की लाश पानी के टैंक में मिली, लेकिन ये 100% खुदकुशी का मामला है। मैं सोचता हूं कि क्योंकि ये बच्ची माइनर थी, अगर यही बच्ची मेजर होती तो ये स्वेच्छा से जिस पीटीआई के कमरे में गई थी वो स्वयं उठ करके गई और वो वहाँ से मिली, वहाँ से बाहर आई थी, उसके और पीटीआई के जो लिख करके पत्र लिया वो इस बात की एविडेंस है। गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर ऐसी बातें करना गृहमंत्री को शोभा नहीं देता, और गुलाब चंद कटारिया का राजनीतिक करियर भी काफी लंबा और अनुभवी रहा है, ऐसे अनुभव वाले पद पर रहकर भी इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल का कोटा की रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी में हुआ शुभारंभ। ई ऑक्शन से होगी अब रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में चने की बिकावली। कोटा जिले की रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM की शुरुआत की। इसमें राजस्थान की एकमात्र मंडी कोटा की रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी का चयन किया गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की और प्रदेश स्तरीय समारोह यहां मंडी परिसर में हुआ। किसान और कृषि को और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से किसानों को ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय कृषि बाजार में पहले चरण में देश के 8 राज्यों की 21 मंडियों को जोड़ा गया है, जहां पर 22 प्रकार की कृषि जिन्सों की ई प्लेटफॉर्म ऑनलाइन से नीलामी की जाएगी। निश्चित तौर पर ई ऑक्शन से हमारे किसान तकनीक के साथ में आगे बढ़ेंगे, वक्त की बचत होगी, उनके अनाज का उन्हें सही दाम मिलेगा, साथ में व्यापारी भी उन्नत होंगे। निजी स्कूलों की मान्यता के लिए अब नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में। शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की वेबसाइट को किया गया लॉन्च। शिक्षा संकुल में आज एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने निजी स्कूलों की मान्यता के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने उद्घाटन के बाद कहा कि जिस प्रकार निजी स्कूलों में की मान्यता को लेकर हमेशा से सवाल खड़े किए जाते थे वह भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, उनको गलत साबित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। अब जहां सभी निजी स्कूलों को मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, वहीं वह पूरी प्रक्रिया इस ऑनलाइन की वेबसाइट पर ही कर सकेंगे। इसके साथ ही जब ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो उन्हें
उन्हें 2 कॉपियां जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करानी पड़ेंगी। इसके साथ ही मंत्री वासुदेव नानी ने कहा कि जिस प्रकार निजी स्कूलों की मान्यता हो या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में उनको क्रमोन्नत करना हो, ये सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। इसके द्वारा भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जाएगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा जगत में नई हमको प्रेरणा देने का काम किया, उससे प्रेरित होकर के हमने पिछले दिनों सेकेंडरी के लिए शाला दर्पण, उसका प्राइमरी के लिए शाला दर्शन और उसके बाद पाठ्यक्रमों की दृष्टि से ई ज्ञान पोर्टल हमने प्रारंभ किया और आज ये चौथा पोर्टल हमने प्राइवेट स्कूलों के लिए किया। निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर लगातार ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए थे, जिसके ऊपर शिक्षा विभाग काबू पाना चाहता था। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से इस वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। एसीबी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को दी क्लीन चिट। कॉपी में काट छाट का था मामला। बोर्ड ने संबंधित शिक्षिका को किया ब्लैक लिस्टेड। मामला वर्ष 2014 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का है। इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर सवाल खड़े करते हुए एक महिला परीक्षार्थी ने एसीबी को मामले की शिकायत दी थी। परीक्षार्थी का आरोप था कि उसकी उत्तर पुस्तिका में काट छांट कर उसे मेरिट से वंचित किया गया है। इस मामले की जांच के बाद एसीबी ने बोर्ड को क्लीन चिट दी है। बोर्ड जांच में आरोपी सुनीता जाखड़ ने माना कि अनुभव की कमी के चलते उसके द्वारा कॉपियों में काट छांट की गई थी। बोर्ड ने एसीबी की क्लीन चिट के बाद सुनीता जाखड़ को ब्लैकलिस्टेड करने के साथ ही शिक्षा निदेशालय को उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए भी लिखा है। परीक्षक के विरुद्ध निदेशक माध्यमिक शिक्षा को विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है और बोर्ड के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को पूछताछ के बाद क्लीन चिट दी है। इससे पूर्व एसओजी ने भी वर्ष 2014 की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को लेकर एक प्रकरण दर्ज किया था। उस प्रकरण में बोर्ड को क्लीन चिट मिली थी। वर्ष 2014 की 10वीं मेरिट के संबंध में भी एसओजी ने जांच की थी, लेकिन उस जांच में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को क्लीन चिट मिल चुकी है। जेडीए की कार्रवाई में फिर से आ रही है सील में डील की बू। जिस आतिश मार्केट में 30 से भी ज्यादा दुकानों को विधानसभा सत्र के दौरान सील किया गया था, आज सत्र खत्म होने के बाद उनमें से 18 दुकानों को बिना किसी कारण वापस खोल दिया गया है। हाल के विधानसभा सत्र के दौरान जेडीए ने जयपुर के आतिश मार्केट इलाके में स्थित सनी मार्ट में 30 से ज्यादा दुकानें सील की थी। 10 सालों से ज्यादा पहले से बने सनी मार्ट में जेडीए को अब दुकानें सील करना इसलिए याद आया क्योंकि विधानसभा के में इस संबंध में एक विधायक ने प्रश्न लगा रखा था, लेकिन विधानसभा सत्र खत्म होते ही के कुछ दिनों के बाद ही जेडीए ने इन दुकानों में से कुछ दुकानें खोल दी। आज 30 में से 18 दुकानों को खोलने के जेडीए ने आदेश दे दिए। इस बारे में जब जेडीए अधिकारियों से पूछा गया तो उनका साफ ये कहना था कि जेडीसी के आदेश पर ये सब कुछ किया गया है, लेकिन पूरी तरह से इसका जवाब वो भी नहीं दे पाए। कोटा की सड़क पर बर्निंग ट्रक हाईटेंशन लाइन से टकराने से रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। बर्निंग ट्रक आसमान छूती आग की लपटें, चारों ओर आग ही आग। कोटा के गुमानपुरा इलाके में रोई से भरे ट्रक हाईटेंशन लाइन को छू गया और आग पकड़ ली गई। देखते ही देखते एक चिंगारी 16 बन गई। ट्रक से आसमान छूती लपटें उठने लगी। जैसे तैसे भागकर ट्रक चालक ने अपनी जान बचाई। रात करीब 2 बजे गुमानपुरा थाने के सामने आग के शोलों ने सबकी नींद उड़ा दी। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी तेज थी कि बिजली की लाइनें और ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में विद्युत आपूर्ति भी आग की वजह से ठप हो गई। इस ट्रक की आग ने दमकल विभाग की भी खूब भागदौड़ करवाई। रात में आग बुझने के बाद दिन में भी इस ट्रक ने 2 बार आग पकड़ ली, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंचाई गई और एक एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोधपुर जयपुर नेशनल हाईवे पर लूट गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। जोधपुर जयपुर नेशनल हाईवे पर लूट की फिराक में लगे एक बदमाश को पुलिस ने
पकड़ लिया जबकि दो फरार हो गए। राहगीरों को लूटने वाले गिरोह के तीन सदस्य बिना नंबर की बोलेरो से वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। तीनों ने फिटकासनी फाटा के पास प्रशांत ब्यास को लूटने की कोशिश की। प्रशांत के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। शक होने पर प्रशांत ने अपनी कार को ढाबे पर रोककर लोगों से मदद ली। खबर मिलने पर पुलिस ने एक को धर दबोचा और दो आरोपी बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी लेकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी का नाम जगदीश बिश्नोई है।